नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और क्वालिफाइड एजुकेशनल काउंसलर हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो अभी इंडिया में है। ये वीडियो हिंदी में है और इसलिए मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक जा सके। ये वीडियो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और अगर आपके कजन भाई बहन या कोई भी आपका रिलेटिव इंडिया में है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जरूरी है तो प्लीज उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप अभी प्लस टू में हैं और प्लस टू के एग्जाम दे रहे हैं या फिर अभी दे चुके हो एग्जाम और अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए आना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की तैयारी एडवांस में करनी है और कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने प्लस टू के एग्जाम दे दिए हैं या फिर दे रहे हो, सून आफ्टर प्लस टू के एग्जाम जैसे आपके हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप पीटी या आईएलटीएस का कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें और पीटी की पढ़ाई करनी शुरू करें, पीटी या इंग्लिश की आपकी पढ़ाई करनी शुरू करें। तो कितने बैंड आपको होने चाहिए? अगर आपके पास 6.5 बैंड पीटी में 58 और नो लेस देन 50 बैंड हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांस अच्छे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आयल्स में भी सेम ही या इक्विवेलेंट स्कोर आपके पास हो तो चांस अच्छे रहते हैं। अगर इससे कम भी स्कोर हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज उसको कंसीडर करती हैं और कुछ अदर ऑप्शंस भी होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास परसेंटेज आपके ईए 12 में अच्छी हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अच्छे बैंड मतलब ज्यादा वीजा के चांसेस। अब दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब आप आयल्स और पीटी की तैयारी करना शुरू करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आयल्स और पीटी की जो तैयारी है वो आपके स्टडी गैप को पूरा नहीं करती। तो आपको ये करना है, जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स होती हैं तो आप एडमिशन ले लें और वो कॉलेज शुरू कर लें। इवन दो आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो बट आपकी जो इंडिया में जो ऑलरेडी ही एनरोलमेंट होगी कहीं पे तो आपसे आपका जो स्टडी का गैप हो वो नहीं बनेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं बाद में कोई यहाँ से एक्सपीरियंस ले लूँ, वहां से एक्सपीरियंस ले लूँ फिर उस गैप को फिल करने के लिए। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे वीजाज लेटली कैंसिल हुए हैं, स्टूडेंट वीजा, क्योंकि लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, चाहे एक्सपीरियंस के थे चाहे फाइनेंस के थे। तो आपको मैं ये बता दूं कि पीटी और आईएलटीएस की जो स्टडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ाई करते हो वहां से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता जो आपको गैप को कवर कर सके। तो मेक श्योर करें कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लें। अभी भी जुलाई इनटेक में हम आपको डाल सकते हैं और अगर जुलाई इनटेक नहीं हो पाए तो फरवरी नेक्स्ट ईयर का इनटेक जो है 2023 का वो आपके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, तीसरी बात आई वुड से कि ये है कि फाइनेंस। सो सबसे ज्यादा जो वीजा का जो क्रक्स होता है स्टूडेंट वीजा का, वो फाइनेंस होता है। तो आपके पास लेजिटिमेट जेन्युइन फंड्स होने चाहिए जो आपकी एफडी के फॉर्म में या सेविंग के फॉर्म में, आपके मम्मी डैडी दादा दादी इवन भाई बहन अगर आपके बड़े या हस्बैंड वाइफ अगर आप मैरिड हो तो उनके अकाउंट में होने चाहिए और 6 महीने से ऊपर ओल्ड फंड हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में जिस भी इनकम सोर्स से वो फंड्स आए हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, या आपके मम्मी डैडी या भाई बहन जहां से भी फंड्स आते हैं तो उनकी अगर उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो भरेंगे तो आपके फंड्स के लिए प्रूव करने के लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, आपको लगता है कि कोई और इस वीडियो के साथ हेल्प मिल सकती है। अगर आपको पीटी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे www.endeavorstudy.com.au पे जाके फ्री लॉगिन बना सकते हो और वहां से फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, वहां पे आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप हमारे नंबरों पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो कि इस वीडियो के साथ ही है। अगर आपको माइग्रेशन, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड माइग्रेशन के लिए हेल्प चाहिए तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो भी अगर आप इंडिया में या किसी और सब कॉन्टिनेंट में और किसी और कंट्री में हो जहां पे वीडियो देख रहे हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर इस वीडियो के साथ दिए गए हैं। एक और जो सबसे बड़ी बात मैं बोलना भूल गया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आना चाहते हो तो हमेशा कोई भी कोर्स जब आप लेते हो उसको ध्यान से चूज करें, देखें कि उसमें आगे पीआर का स्कोप है या नहीं है। अगर उसमें पीआर का स्कोप नहीं है तो आपको वहीं से प्लान करके आना है कि आपको क्या करना है आगे। तो ये जो सलाह है, अगर आप किसी एजेंट इंडिया में ये सलाह लेते हो तो हो सकता है कि उनको लोकल नॉलेज
की कमी हो और वो आपको राइट गाइडेंस ना दे सकें, इसलिए हम आपका वीजा ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से कर सकते हैं अगर आपके क्रेडेंशियल्स सारे स्ट्रांग हैं तो, ताकि आपको लोकल नॉलेज प्लस आपको जो ऐसा कोर्स में हम डाल रहे हैं पूरे प्लान के साथ भेजें स्टेप वाइज, ताकि आपको पता हो, पूरी पिक्चर क्लियर हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे आके आपको परमानेंट रेजिडेंसी तक का जो सफर है वो पूरा आपके पास प्लान हो, पूरा लेड आउट हो, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। सो ये सबसे बड़ी बात थी, तो धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।